उड़ीसा की राजनीति में उथल पुथल है, और अभी जिके तो लोकसभा का चुनाव होना है और किस तरह से जो है राजनीति ये चुनाव करवट लेते हैं कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो 21 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं और जो विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें जनता को यही प्रयास करना चाहिए कि अच्छे लोगों को चुन के आए, और थोड़ा सा पार्टी से हट के जो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे जो जिनका चयन हो रहा है वह ऐसे अच्छे लोग हों जिससे कि राजनीति में बदलाव आ सके। नवीन पटनायक अब इतने साल से शासन कर रहे हैं तो ज़रूर उनमें कुछ ऐसी बात होगी जो जनता उनको पसंद कर रही है, या हो सकता है कि विरोध में कोई ऐसा नेता या ऐसी पार्टी जनता के निगाह में उनकी बराबरी नहीं कर पा रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वो जो स्थिति इससे पहले रही है अब वो स्थिति शायद, जो मेरा ऐसा अनुमान है कि ऐसे नहीं रहने वाली है।